अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो पब्लिक रिलेशन मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों कल के दिन ये अनाउंसमेंट किया गया कि कुवैत में वहाँ पर चार गाड़ियों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर टक्कर हुई। टक्कर दोस्तों घटना जो घटी है किंग जो ब्रिज है वहाँ पे और जो थर्ड रिंग रोड है वहाँ के बीच में दोस्तों अल रवादा ऑफ जो पड़ता है वहीं की ये घटना है, जिनमें से दो कुवैतियों की वहाँ पे मौत हो गई है, जिनमें से एक मर्द है और एक इसमें फीमेल है, यानी एक मर्द और औरत इसमें शामिल है। दोनों की मौत की पुष्टि वहाँ पे की जा चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त घटना थी जिसकी वजह से दो लोगों की वहाँ पर मारे जाने की खबर आ रही है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही, साथियों बताना चाहूँगा आपको कि दो वहाँ पे इजिप्शियन सर वहाँ पे शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब दोस्तों गिरफ्तार करने का रीज़न दोस्तों बहुत ही अजीब है, क्योंकि साथियों दो जो इजिप्ट का रहने वाला जो नागरिक था वो पुलिस के ड्रेस में दोस्तों वो रोड पर खड़ा था, लोगों से वहाँ पर गलत तरीके से वो पैसे लेता था। जब पुलिस उसके वहाँ पुलिस पहुँची तब उसे पूछताछ किया गया तो मालूम चला ये फर्जी पुलिस वाला है, और आइडेंटिफिकेशन जब की गई तो मालूम चला वो इजिप्ट का रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों दोनों पुलिस वाले यानी फर्जी पुलिस वाले को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के साथ साथ दोस्तों उसे हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है। वो किसी भी गल्फ कंट्री में दोस्तों वो काम करने नहीं जा पाएगा। दोस्तों ये घटना जो घटी है जलीब अल सोएक एरिया की दोस्तों ये घटना है। तो साथियों यदि आप कुवैत में कहीं पे भी रहती हो तो ये सब चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि आपका फर्जी पुलिस वाला आपको रुकवा कर सारे पैसे वगैरह ऐंठ लें। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान देना है। यदि आप सही हो तो डरने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ रही है, कैबिनेट इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। उनके तरफ से ये बताया गया कि कुवैत में अभी जो स्टडी यानी पढ़ाई लिखाई दोस्तों और रहना काफ़ी ज़्यादा महंगा इस साल से देखने को मिल रहा है। हर स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस बढ़ा दी गई है। ये जो लोग बाहर से पढ़ने आते हैं वहाँ पर रहने के लिए बैचलर लोगों के लिए रेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, खाने की चीज़ों के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। स्कूल में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटियों वगैरह में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महंगाई देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर दोस्तों बहुत सारे कंट्री के बच्चे लोग जो है पढ़ने वहाँ पे आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कमी भी देखी जा रही है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जारी साथियों अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं, जिन जो कि बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। कुवैत की जो आमिर है आमिर नवाफ अल अहमद अल सबा के तरफ से कल की वहाँ पे नए कैबिनेट का वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, यानी दोस्तों वहाँ पे नए कैबिनेट को चुना गया है। तो लगभग वहाँ पे नए 12 कैबिनेट को चुना गया है। तो दोस्तों मैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। तो पहला कैबिनेट दोस्तों तलाल खालिद अहमद अल सबा साहब, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर चुना गया। अगला है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल लतीफ अल फेयर, जिसे डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल मिनिस्टर चुना गया है। अगला है दोस्तों ईसा अहमद अल कंदारी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हाउसिंग अफेयर एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टेट ऑफ नेशनल असेंबली अफेयर चुना गया है। चौथे नंबर पर डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर चुना गया। अगला है दोस्तों डॉक्टर राना अब्दुल अल फरीज, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट म्यूनसिपल अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेड चुना गया है। छठवें नंबर पर अब्दुल रहमान बदा अल मुतहरी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यूथ अफेयर चुना गया। सातवें नंबर पर डॉक्टर अली फहल अद मधूब, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन चुना गया। आठवें नंबर पर जस्टिस जमाल हदील अल जवेरी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट नजाहा उसे चुना गया है। अगला दोस्तों डॉक्टर खालिद मोहिस अल सईद, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चुना गया। अगला है दोस्तों अब्दुल वहाब मोहम्मद अल रसीद, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर चुना गया। और अगला है अली हुसैन मूसा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट का हेड चुना गया। बारहवें नंबर पे फहद मुतलुक अल सुरवन, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर कम्युनिटी डेवलपमेंट का हेड चुना गया। तो दोस्तों कल के दिन ये अनाउंसमेंट की गई मिनिस्ट्री ऑफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो हमारे साथी वो बहुत ही बड़ी खबर है। साथियों यदि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आप पसंद करते हैं तो मैन एशिया कप 2022 का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच दोस्तों काफ़ी सालों के बाद खेला जाएगा, जो कि 28 अगस्त 2022 को दोस्तों पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों संडे के दिन खेला जाएगा दुबई में। तो जो भी लोग आप मैच देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।